चमन बहार। चमन बहार नेटफ्लिक्स की एक ड्रामा कॉमेडी मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है अपूर्व धर ने और इस मूवी में मेन लीड किया है जीतू भैया ने। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टाउन से जिसमें बिल्लू नाम का एक कैरेक्टर रहता है जिसका कैरेक्टर प्ले किया है जीतू भैया ने और उस वो जॉब करता है फॉरेस्ट गार्ड में पर उसको वो जॉब इतनी सेटिस्फाई नहीं लगती और वो उस जॉब से मतलब छोड़ देता है उस जॉब को और पान की दुकान खोलता है वो भी शहर के बाहर क्योंकि उसको खुद का नाम कमाना होता है पर वो दुकान इतनी चलती नहीं क्योंकि आउट ऑफ सिटी होती है। पर फिर एक दिन बिल्लू की किस्मत चमकती है जब उसके दुकान के सामने एक सुंदर लड़की रहने आती है और उसके बाद गांव के सारे लोंडे लपाड़े उस दुकान पे आते हैं सामान वामान खरीदने तो क्या आते हैं लड़की को ताड़ने आते हैं सब। उससे जीतू भैया की दुकान चल निकलती है और काफ़ी अच्छा सब चल रहा होता है पर उसके बाद जो जो सिचुएशंस इसमें आती है वो आप इस मूवी में ही देख पाओगे वो मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ है। ये मूवी आपको काफ़ी रिलेटेबल लगने वाली है क्योंकि इस मूवी की कहानी हर गली हर मोहल्ले से बेस्ड है और उस मतलब इसको देखते टाइम आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद मेरे साथ भी हुआ है सही में भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैं क्यों हंस रहा हूँ यार। परफॉर्मेंस की बात करें तो जीतू भैया का काम बहुत परफेक्ट है और उनके साथ जो अपने सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है मूवी में मतलब जान डाल दी ऐसा लगता है। और मूवी की म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक भी ओके है मतलब इसमें आपको छत्तीसगढ़ का फोक सॉन्ग भी सुनाई देगा जो कि मूवीज़ के सीन में जान डाल देता है और मूवी को इतना नेचुरल और रियलिस्टिक बताया मतलब वही लोकेशंस गांव का घर टाइप एरिया और मतलब बहुत अच्छा दिखा एकदम लगता है नेचुरल फील आता है उसको देखने के बाद। ओवरऑल बात करूँ तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि ये रिलेटेबल चीज़ को एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ हमको दिखाया है जो कि काफ़ी अच्छा है और इस मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स और ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको देख के आपको ऑटोमेटिक हंसी आएगी जो कि एक कॉमेडी मूवी के लिए काफ़ी अच्छी बात है और मैं बस यही बोलूँगा कि ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना प्लीज़ यार कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।